इस वीकेंड होगा गोल्डन एरा चैलेंज। गोल्डन एरा ऑफ म्यूजिक के दो सबसे लेजेंडरी द आइकॉनिक कल्याण जी आनंद जी जोड़ी से आनंद जी भाई शाह और उनकी कूल एंड हैपनिंग गर्लफ्रेंड शांता बेन शाह। एक एक गाना हर वक्त होता है अच्छा नहीं, ड्यूट करो डूइट। अरे वाह, डूइट करो। आज का ये वीडियो दोस्तों काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि इंडियन आइडल के इस वीकेंड में जो कि गोल्डन एरा चैलेंज स्पेशल हो रहा है, जिसमें कि पहले दिन के लिए आनंद जी सा और उनकी धर्म पत्नी स्पेशल मेहमान बनकर आ रही हैं, और उनकी मौजूदगी में अभी तक कुल 5 परफॉर्मेंस दोस्तों हमें देखने को मिले हैं, जो सभी एक से बढ़कर एक लाजवाब रहे हैं। अभी आप इन सभी प्रोमोस को दोस्तों देख पाइएगा, जिसमें कि आपको यह समझ में आने वाला है कि किसके साथ में किनकी जोड़ी बनी है और उनकी यह जोड़ी ने किस परफॉर्मेंस को करके निभाया है, और उनके परफॉर्मेंस पर हमारे जजेस ने और साथ ही साथ आए हुए मेहमान कलाकार आनंद जी शाह ने क्या रिमार्क्स दिया है, यह सारा कुछ जानने को मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले परफॉर्मेंस की, जो था ऋषि सिंह और विदिता चक्रवर्ती का, जिन्होंने की जबरदस्त खूबसूरत सा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। पहले आप इनका प्रोमो देखिए दोस्तों। तो जैसा कि अभी आपने यह प्रोमो देखा नीले नीले अंबर पे, जो कि लाजवाब और खूबसूरत सा परफॉर्मेंस है, यह फिल्म कलाकार से है दोस्तों, जिसे कि किशोर कुमार जी ने अपनी आवाज़ दी थी। उस गाने को इन दोनों ने इतनी खूबसूरती के साथ में पेश किया, हर कोई मानो इनका दीवाना बन गया हो। अब बात कर लेते हैं अपने अगले परफॉर्मेंस की, जो है प्रीतम रॉय और संजुति दास का। तो इनका प्रोमो देखिए दोस्तों पहले। भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में गलियों में सपनों की गलियों। गाने के मतलब को लोगों तक पहुंचाना एक सिंगर का काम यही होता है। बहुत अच्छा गाया आपने, थैंक यू। तो यह जो परफॉर्मेंस दोस्तों अभी आपने देखा प्रीतम रॉय और संजुति दास का, ओ साथी रे, ये जबरदस्त और लाजवाब परफॉर्मेंस था, जो कि मुकंदर का सिकंदर फिल्म से है, जिसे कि किशोर कुमार जी ने अपनी आवाज़ दी थी। उस गाने को प्रीतम रॉय और साथ ही साथ संजुति दास ने इतनी खूबसूरती के साथ में पेश किया, जिसे सुनने के बाद में आनंद जी सा काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं दोस्तों, और उनकी आँखों से आंसू भी छलक पड़ते हैं। अब बात करते हैं अपने तीसरे परफॉर्मेंस की, जो था सगुन पाठक और रूपम भरनाडिया का, और इन्होंने जो लाजवाब परफॉर्मेंस किया है, पहले आप उनका प्रोमो देखिए दोस्तों। गाया भी इन्होंने कमाल का, बहुत मजा आया मुझे। What a performance! इसको कहते हैं तोड़ना। तो अभी जो ये प्रोमो आपने देखा, लैला ओ लैला कैसी तू लैला, ये इतना खूबसूरत और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, जिसे कि इन दोनों ने इतनी खूबसूरती के साथ में पेश किया है। ये फिल्म कुर्बानी से है, जिसे कि अमित कुमार और कंचन ने अपनी आवाज़ दी थी। उस गाने को सगुन पाठक और रूपम भरनाडिया ने इतनी एनर्जी और खूबसूरती के साथ में पेश किया, हर कोई नाचने गाने और झूमने को मजबूर हो गया। इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस इन दोनों का था। अब अगले परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जो अगला परफॉर्मेंस था दोस्तों, वह रहा विनीत सिंह और सोनाक्षी कर का। तो पहले आप उनका प्रोमो देखिए दोस्तों। बिल्कुल बाप हो अपने जोन की सिंगिंग के, और बाप बाप ही होता है। तो जैसा कि अभी आपने प्रोमो देखा, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, यह इतना खूबसूरत और लाजवाब परफॉर्मेंस है, जिसे कि विनीत सिंह ने और साथ ही साथ सोनाक्षी कर ने इतनी खूबसूरती के साथ में पेश किया है। हसीना मान जाएगी,
इस फिल्म का यह खूबसूरत सा गाना है दोस्तों, जिसे कि लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ दी थी, और उस गाने को विनीत सिंह और सोनाक्षी ने इतनी खूबसूरती के साथ ने पेश किया, हर कोई उनका दीवाना बन गया है। अब बात कर लेते हैं अपने अगले परफॉर्मेंस की, जो था देवोस्मिता रॉय और शिवम सिंह का, जिन्होंने की लाजवाब परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो पहले आप उनका प्रोमो देखिए दोस्तों। तो जिस तरीके से आपने प्रोमो देखा दोस्तों, देवोस्मिता रॉय और साथ ही साथ शिवम सिंह का, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, इतना खूबसूरत और लाजवाब परफॉर्मेंस था। फिल्म ईमानदार का यह गाना है दोस्तों, जिसे कि सुरेश वाडेकर जी ने अपनी आवाज़ दी थी। उस गाने को देवोस्मिता और शिवम ने इतनी खूबसूरती से पेश किया है कि आनंद जी सा मानो उनके फैन बन गए हों। तो आपको बता दूं दोस्तों कि कुल 5 परफॉर्मेंस हुए हैं आनंद जी शाह की मौजूदगी में गोल्डन एरा चैलेंज स्पेशल के दौरान में। तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा कि इन 5 परफॉर्मेंस में से आपको किनका कॉम्बिनेशन सबसे बेहतरीन लगा और किनके परफॉर्मेंस ने आपको दीवाना बनाया है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इंडियन आइडल के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब for more updates. Thank you.